हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द गेम वीडियो। तो आज हम खेलने जा रहे हैं यूरो ट्रक 3, और इस गेम में हम ड्राइव करते हैं ट्रक्स को। ये जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने इसको थोड़ा मॉडिफाइड करके रखा हुआ है, तो इंजन भी इसका काफ़ी मॉडिफाइड है। इंजन फुली ट्यून्ड है, कुछ 770 हॉर्स पावर है इस इंजन की और 3700 मीटर मीटर ऑफ टॉर्क है, तो काफ़ी फुल्ली ट्यून्ड है ये। मतलब इस गेम में इतने ही हम इसमें ट्यून कर सकते थे, इसलिए इतना ही ट्यून्ड है इंजन। बाकी V8 इंजन है इसका, और अभी हम 26 टन लोड लेके निकल चुके हैं एक्सावेटर। कुछ 336 किलोमीटर हमें ड्राइव करना है, तो इस लॉन्ग स्ट्रेच ड्राइव में हम कोशिश करेंगे कि बिना रुके एक बार में हम खींच लें। इसके पहले हम लंबी लंबी ड्राइव में कुछ वन स्ट्रेच में करते थे, कुछ में हम स्टॉप ले लेते थे, लेकिन इस बार मैं फुली रिकॉर्ड करने वाला हूँ, एक भी पल मतलब हम मिस नहीं करेंगे। और देखते हैं इस बार हम बिना मतलब टो करवाए ट्रक को निकल सकते कि नहीं। इस पे क्या देख सकते हैं, 332 किलोमीटर में ड्राइव करना है अभी फिलहाल, और रूट वूट सब बता दिया है इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं, निकल गए हम अपने ट्रक को लेके। ये फियोरा का ट्रक है, कुछ पता नहीं कौन सी कंपनी है, एक्चुअल नेम ये नहीं है फियोरा, एक्चुअल नेम कुछ और है इसका। बाकी अंदर से तो इंटीरियर काफ़ी अच्छा है इसका। ये वाला ट्रक लंबा मतलब और ज़्यादा मॉडिफाइड नहीं हो सकता, इसमें पीछे और चक्के नहीं बढ़ सकते, तो सिक्स व्हील्स ही रहेंगे ये ट्रक। बाकी लाइट्स भी हमने अपडेट करके रखे, सामने बम्पर लगा रखा है, और ये जो साइड में है ये आई थिंक रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे ये इंजन खड़ा हुआ है। कई बार हमने बोगिया भी ट्रांसपोर्ट किए इस ट्रक में अपने, और रेल का इंजन भी हमने ट्रांसपोर्ट किया। सबसे हेवीएस्ट इंजन था वो, 128 टन के आसपास उसका लोड था, हमने वो भी ट्रांसपोर्ट किया है। बट उसमें इतना है कि हमारा ट्रक जो है हाई स्पीड अचीव करने के बाद ना मतलब बहक जाता है कई बार, क्योंकि पीछे का लोड अलग जाता है और सामने का अलग। बाकी ट्रक में हमारे पावर थी, हमने खींच दिया था, हमारे पास सारे कंपनी के अभी मतलब ट्रक हो चुके इस गेम में, तो हम लेकर निकल चुके हैं। और देखो स्पीड काफ़ी अच्छी मेंटेन कर रहा है, क्योंकि लोड कम है फिलहाल, और इसकी पावर काफ़ी अच्छी है। वैसे तो इसकी टॉप स्पीड उतनी अच्छी नहीं है जैसे कि इसमें वॉल्वो की स्पीड अच्छी है, वॉल्वो की 161 चल जाती है अप्रॉक्स, और इसकी 141 के आसपास अटक जाती है आई गेस। तो ये देखो 125 तो क्रॉस कर लेता है, जो कि क्रूज कंट्रोल है 125 पे बेसिकली इसमें। और इसमें हम देखते हैं कितने कम टाइम में हम पहुँचा पाते हैं अपनी इस लोड को, और हम इसमें मेनली अंदर से ड्राइव करने वाले हैं, तो ऐसे बैठ के ड्राइव करने वाले हैं, क्योंकि बाहर से ना हमें विजिबिलिटी का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है ट्रक में, एकदम से हमें देख नहीं पाते, और कितना लेवल पे स्टीयरिंग मोड़ना है वो भी कुछ अंदाज़ा नहीं हो पाता है अंदर से, क्योंकि मैं इसको मोस्टली अंदर से चलाया हूँ, जैसे कि हम ड्राइव करते हैं नॉर्मली ट्रक को या कार को, तो इसलिए। और बाहर जब ये ऐसा लॉन्ग स्ट्रेच आएगा ना एक सिंपल, तो यहाँ पर मैं आपको बाहर से बता सकता हूँ कि कैसा लुक जा रहा है ट्रक का। और ये जो लोड है ना ये लो बेड पे मतलब नीचे टच होके चलता है ये वाला लोड, तो ये बहकने के कम चांसेस हैं, इसलिए हम हाई स्पीड अचीव कर सकते हैं। देखो ये 140 के आसपास हाई स्पीड अचीव हो चुकी है, और सामने देख लो, हॉर्न देख लो एक बार, लाइट्स है, और अब सामने आ जाते क्योंकि टर्न आ ही गया था। और ऐसा भी लोड हम ले जा सकते हैं, ये आई थिंक स्टोन क्रशर का ले जा रहा है कुछ लोड। बाकी तो हम टॉप स्पीड अचीव कर चुके हैं, ये कुछ चढ़ाई आ गई आई गेस, यस चढ़ाई है यहाँ पर, और हमारी स्पीड बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है। ये कुछ 6 स्पीड ही गेयरबॉक्स हमने इसमें फिट किया हुआ है, क्योंकि ये हाई लोड के हिसाब से था, और ये लोड ये ट्रक ज़्यादा लोडिंग नहीं ले सकता है, इसलिए हमने इसमें हाई लोड अभी फिलहाल नहीं रखा है, और मिलता भी नहीं आई गेस। और ये टनल से निकल रहे हैं, टनल में एकदम येलो लाइट जला के रखी है हमारा, अगर इसमें लाइट ऑन भी रहे ना तो इतना यहाँ पे दिखता नहीं है। ये सब साइड से चल रहा है, और ये वापस से हमने ओवरटेक कर लिया। इसमें बिल्कुल हम कार की स्पीड मेंटेन करते गाइस 140 के आसपास, वैसे तो इसकी टॉप स्पीड ही 140 है, मगर फुल हम स्पीड अचीव करते हैं, और गाड़ी का मतलब ट्रक का साउंड ही कुछ अलग होता है इसमें। और ये कहाँ जा रहा है भाई, इधर आ रहा था, खैर यहाँ पे हमें स्पीड मेंटेन करना है। ये जो टर्निंग पॉइंट है ना यहाँ पे हमें बस स्पीड मेंटेन करना है, थोड़ी सी यहाँ पे बहकने के चांसेस रहते हैं अगर हाइट वाला लोड रहे तो, अगर हमारा तो लो बेड वाला है तो आई थिंक बहकेगा नहीं हमारा ट्रक, और वन स्टेज में हम कर लेंगे। यहीं पे हमारे बहुत सारे एक्सीडेंट हुए गए, और यहाँ साइड में स्लीपिंग का था ऑप्शन, वहाँ खड़ा करके हम सो सकते थे ट्रक, लेकिन हमारी स्लीपिंग फुल है, हम इसमें वन स्टेज करने वाले, तो हमने अभी किया नहीं है मतलब
हम स्लीप नहीं कर सकते फिलहाल। और ये टैंकर भी है, द मेन कंपनी का ट्रक था ये वाला भी ट्रक है हमारे पास। इसकी भी टॉप स्पीड कुछ हाई है, मगर वॉल्वो के कंपेयर में तो सबसे हाई इसमें वॉल्वो की चला। और अभी हम फिलहाल वो नहीं चला रहे हैं, वो भी ड्राइव करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमने ड्राइव किया था पिछली वीडियो में, और इसके पहले वाले में हमने मर्सिडीज़ का भी ड्राइव किया था। उसको हमने ऑफ रोडिंग लेके गए थे, पाइप्स को लेके गए थे ऑफ रोडिंग में, काफ़ी मज़ा आया था वहाँ पे। फुल्ली अलग रूट था वहाँ पे, कुछ स्पीड हम अचीव नहीं कर सकते थे। दो तीन बार तो क्रैश हो गया था मेरा ट्रक वहाँ पे, क्योंकि इतनी साफ टर्न थी कि ट्रक कटता ही नहीं था वहाँ पे। और इसमें हम फुल्ली हाईवे पेच मेंटेन करने वाले हैं गाइस। हाँ, वैसे इसमें पूरी लास्ट तक हाईवे ही हाईवे, तो हाईवे की डेस्टिनेशन पे हम पहुँचना है इसमें। अगर हम ऑफ रोडिंग कर लेते हैं ना तो थोड़ा सा और टाइम डिले हो जाता, क्योंकि ऑफ रोडिंग में हम स्पीड मेंटेन नहीं कर पाते। और देखो यहाँ पर ये थोड़ा सा चिपका के हमें चलना है, क्योंकि ये टर्न में ना हम इधर वाली लाइन में फेंकाने लगते हैं थोड़ा, ये लाइन, और ये बचे हम ट्रक से, चिपक जाता था हमारा ट्रक। और यहाँ पे थोड़ा सा लंबा टर्न लेके चलना है इसमें, क्योंकि अगर एकदम से हमने मोड़ दिया ना तो ये अभी के अभी क्रेश हो जाएगा यहाँ पे। मतलब ट्रक पलटी भी हो सकता है और घिस भी सकता है, मतलब आड़ा हो जाता है सामने को मूव का मुंडा। पीछे का जो लोड है वो हमें थकाता रहता है आगे और स्ट्रेट वे में। और यहाँ पर देखो क्या स्पीड मेंटेन कर रहे हैं हम, थोड़ी ड्रिफ्ट मार रहे थे पीछे का जो ट्राला है। ये जो टर्न है ना एकदम साफ, इसमें बहुत ड्रिफ्टिंग मारता है, मतलब पीछे का ट्राला पलटी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और ये भी हमारा सेम जैसा, ओह डैम इट। अच्छा वो टोइंग की दिक्कत नहीं आई, बाकी जो भी वो चल रहा था वो भी साथ में जो हम लोड लेके चल रहे वही ये सेम लोड उसमें, बट हमारा थोड़ा सा मॉडिफाइड ट्रक उसका नहीं है। और उसके चक्कर में हमारा एक्सीडेंट हो गया, मतलब सामने जाके डिवाइडर पर चढ़ गए। लेकिन अच्छा है कि हमारा डैमेज तो काफ़ी हुआ है ट्रक में। देखो अभी मैं इसको रिपेयर कराया था, जो डैमेज लेवल दिख रहा है ना ट्रक का, बढ़ गया आधा हो गया एकदम से। लेकिन ठीक है, सामने हमने बम्पर वम्पर सब लगा के रखा है, इसलिए थोड़ा सा कम है डैमेज भी। और वापस से ओवरटेक करके निकल चुके हैं हम इसको। ऐसे ही लो बेट का बहुत अच्छा काम है यहाँ पे, क्योंकि यूरोप में ना मतलब रोड्स इतनी अच्छी है कि लो बेट लेके चल सकते हो तुम, इंडिया में इतना नहीं कर सकते। हालांकि हेवी लोड के लिए इंडिया में ज़्यादा ही चक्के वाले ट्रक्स यूज़ करते हैं, और ये वाला तो नॉर्मल हाइट पे भी चल जाता है लोड। एक्सावेटर भी हमारे इधर लेके निकलते रहते ट्रक, लेकिन ये नॉर्मल हाइट पे चल जाता है, लेकिन वो इतनी स्पीड नहीं मेंटेन करते। जैसे कि 300 इसमें हम 332 किलोमीटर कवर करने वाले कुछ 2 या 3 घंटे में, तो वो इतना नहीं कवर कर सकते, उनको बहुत टाइम लगता है। और ट्रक भी वहाँ के इतने नहीं होते, मतलब यूरोप के ट्रक कुछ अलग ही स्पीड वाले होते हैं, मतलब मेंटेन कर सकते हैं वहाँ पे स्पीड, इसलिए ट्रक भी वैसे होते हैं दमदार और स्पीड भी काफ़ी होती है उनकी। ये देखो नाइट हो गई यहाँ पे, काफ़ी जल्दी रात हो जाती है इस गेम में, पता ही नहीं चलता कि दिन कब हो रहा है रात कब हो रहा है। हम रेगुलर चलते ही रहते हैं इसमें ट्रकिंग में, तो एक्चुअल में भी पता नहीं चलता है ट्रक में कि दिन कब हो रहा है रात कब हो रही है, बस चलते रहना है तुम्हें। और ये देखो ये एक हैवी लोड लेके चल रहा है यहाँ पे साइड में, और ऐसे लोड भी हम कुछ लेके जा चुके हैं। हमने इसमें एक रेफ्रिजरेटर वाला भी खरीद के रखा हुआ है कंटेनर, उसमें हमें जो मतलब मिलता है ना रेंट वो बहुत कम रहता है, मतलब जो ट्रांसपोर्ट का रहता है मनी उसमें थोड़ा कम मिलता है। एक कार है चलती है एस क्लास है, आई थिंक ये डी क्लास है, पता नहीं इसमें कारें कैसे ड्राइव कर सकते हैं हम, बट ट्रक काफ़ी अच्छे से ड्राइव कर रहे, काफ़ी स्मूथली ड्राइव हो रहा है। और यहाँ पे मैं हॉर्न नहीं दे सकता इसको, क्योंकि हॉर्न दो ना तो उस लाइन वाला इस लाइन में आ जाता है, इस लाइन वाला कहीं नहीं जाता है। अगर सिंगल लाइन है तो ये लाइन वाला थोड़ा दबा लेगा उस साइड बस, लेकिन प्रॉब्लम तब भी होती है। और अब ये वाला रूट जो है ना ये साइडवेज ये वाला अच्छा है, अपने इंडिया में ये बाइक्स के लिए बना हुआ है रोड। बाकी ये वाला रूट जो हम फॉलो कर रहे हैं ना फिलहाल ये वाला अच्छा है, वहाँ पे बाइक्स नहीं है, ये वाला अच्छी है क्यों? मतलब बाइक्स रहती है मगर यहाँ पे अभी इस गेम में हमें एक भी नहीं दिखी है, तो ये वाला अच्छा है कि हम जितनी भी हाई स्पीड मेंटेन करें इस वाले रूट से जा सकते हैं। मेरे को डाउन आ गया ना, तो इसलिए 152 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चली गई हमारी। देखो कितनी हाई स्पीड
अचीव कर लिए। मतलब इतनी तो कोई कारों की टॉप स्पीड होती है और यहाँ पे हम ट्रक से जा रहे हैं इतना। हालांकि इंजन भी काफ़ी बड़ा लगा के रखा हुआ हमने ट्रक में, तो कह सकते हैं आप। और यहाँ थोड़ा मुझे इस साइड दबाना पड़ेगा, नहीं तो हम वापस से डिवाइडर पर चढ़ जाएंगे। और ये ट्रक साइड में देते हैं थोड़ा, एकदम पता है कि पीछे से आ रहे हैं। हालांकि क्या करेंगे, वो भी रोबोट ऑटोमेटिकली अपने इससे चल रहे हो अपनी लाइन में। इनकी स्पीड क्या होगी वैसे, हमसे तो कम है, लेकिन आई थिंक 100 अप्रोक्स चलते हैं शायद, या उससे भी कम है, 90 के अप्रोक्स चलते होंगे। खैर ये जो सिटी में हम आने ही वाले हैं आई थिंक, ये साइड में फैक्ट्री गई है। और इसमें ना हम बीच में निकल के कहीं कहीं जा सकते हैं और कहीं नहीं भी जा सकते। मतलब एक लेवल के पास जाने के बाद हम में एक बैरियर आ जाता है आई गेस, कि हम उसके आगे नहीं जा सकते। जैसे ये ऑफ रोडिंग में अगर हमें जाना है ना कहीं पे भी अपने डिजायर्ड रूट को छोड़ के, तो हम इसमें नहीं जा सकते। हाईवे पे जा सकते हैं, मैंने कई बार रॉन्ग टर्न लिया है और हाईवे पे बस चला गया हूँ, क्योंकि कट नहीं रहता था हाईवे पे, इसलिए बहुत लंबा चला गया था हाईवे पे। कई कई इसमें तो 100-200 किलोमीटर ड्राइव कर लिया मैंने सीधा, और फिर वापस आया हूँ वहाँ से। तो मतलब जा सकते हैं जो डिजायर्ड रूट है, लेकिन कच्चे में नहीं जा सकते। और ये सामने हमें बैरियर कर रहे हैं, यहाँ पे अलग हो भाई, रूट से सामने से अलग हो, हमें अचीव करना है अपना रूट। और अब देखो ये इस लाइन में घुसने की कोशिश करेगा, तो हमने फुल एक्सीलेटर दिया हुआ है, ये देखो ये घुसा यार। और अब चिपक गया ट्रक, हाँ, क्योंकि देखो ये जैसे ही हम सिटी में एंटर करते हैं ना, ये जो लाइन है बहुत कमज़ोर हो जाती है, और वो जो लाइन जिसमें मैं चल रहा था वो तो गायब ही हो गई। तो ये पास भी करो ना इस ट्रक से, तो चिपक के पास कर रहे हो। और एक तो इस ट्रक का एक प्रॉब्लम ये है कि उस साइड का मिरर हमें दिख नहीं रहा है, अगर हम उस साइड टर्न करें तो दिखेगा, बाकी इसमें सामने दिख जाता है मिरर, जस्ट लेफ्ट में मतलब जस्ट राइट में, तो उतनी प्रॉब्लम नहीं होती, उसमें नहीं दिखता है। और ये देखो थोड़ा सा डैमेज और बढ़ गया उस ट्रक के चलते, यहाँ पर फुल ब्रेक लगेगा हमें, क्योंकि सामने शार्प टर्न है और यहाँ सिंगल में ही चलना पड़ेगा। अगर डबल में यहाँ शार्प टर्न में लिया ना तो ठोका जाती है गाड़ी। और पहुँच ही गए गाइस हम, जस्ट वन स्ट्रेच में हमने खींच दिया था। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। और ये हमारा वुल्फ वाला ट्रक बनाया हुआ है हमने, पार्किंग ब्रेक लगाते हैं, इसका साउंड सुना देता हूँ मैं आपको ये न्यूट्रल में, और ये फुल एक्सीलेटर में कुछ ऐसा साउंड है इसका। ऑन भी बजा लेते हैं थोड़ा, ऑन और एक्सीलेटर दोनों एक साथ दो। यस, सामने वाली गाड़ी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि रेड लाइट है, तो वो क्रॉस करेंगे नहीं, और चूँकि वो सामने में है तो हम धक्का से उसे क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन खैर थोड़ी देर रुक ही जाते हैं। अब यहाँ से चलते हैं, अब इसको क्रॉस करेंगे। इसमें हम मेनली तोड़ते रहते हैं, मतलब ये जो सिग्नल का है ना ये रूल हम नहीं मानते, इसमें मेनली क्रॉस कर देते हैं अगर सामने कोई हो नहीं तो। जैसे अभी थे तो हमने उनको धक्का के जाना ठीक नहीं लगा, इसलिए हम रह गए वहीं पर, मतलब सामने वाली कार्स को हमने पुश नहीं किया। अदरवाइज हम उनको पुश करके वहाँ से भी निकल सकते हैं। कई बार गाड़ियाँ इसमें एंड बैंड टाइप से मतलब आपस में भिड़ जाती है, ग्लिच आ जाता है काइंड ऑफ, तो वो भी एक डिसएडवांटेज है। बाकी काफ़ी अच्छा गेम है गाइस, काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स है, और ड्राइविंग जो होती है ना स्मूथ ड्राइविंग होती है इसमें। हमने ये स्किप कर दिया, और ये देखो हमने 2 घंटे 54 मिनट में क्रॉस किया है।